हेलो एवरीवन, दिस इज मी अब्दुलरहमान फ्रॉम फरजदार। जो आज का प्रोडक्ट है वो एचपी का जी बुक का सीरीज में होने वाला है गाइस, और इसका मॉडल नंबर की अगर बात करें तो ये फायरफ्लाई और 14G8 की सीरीज में है। जी बुक इसकी सीरीज है एचपी की, लेकिन ये इसका मॉडल नंबर आपके भाई ने आपको बता दिया। तो टाइम को जाया किए बगैर करते हैं इसका रिव्यू। सबसे पहले बात करेंगे इसकी बॉडी की, कि बॉडी भी हमें कैसा देखने को मिल रहा है, कौन सी क्वालिटी को देखने को मिल रहा है। तो ये हमें फुल मेटल बॉडी के अंदर देखने को मिल रहा है, ओवरऑल जितना भी ये सारा मेटल बॉडी है। दरमियान में एचपी ने अपनी जी की ब्रांडिंग दी है, क्योंकि ये जी बुक की सीरीज में है। अगर हम इसकी बैक साइड में बात करें तो छोटी छोटी आपको ये जालियां जो देखने को मिल रही हैं, ये इसकी जो हीट होती है इसको यहाँ से रिलीज कर रही होती है। और उसके अलावा यहाँ पे ब्रांडिंग की हुई है मेड इन चाइना, जर्मनी, और ये छोटी छोटी चीजें मेंशन की हुई है, मॉडल नंबर वगैरह मेंशन किया हुआ है। उसके अलावा जी यहाँ पे विंडो की ब्रांडिंग की जो स्टीकर है उसकी ब्रांडिंग हुई है। नीचे और ऊपर साइड के ऊपर प्रॉपर हमें एक रबड़ देखने को मिल रही है, ताकि जब आप लैपटॉप रखें तो इसकी बॉडी के ऊपर स्क्रैचेस ना आए। अब देखते हैं हम अंदर से, कि अंदर से हमें इसे कैसा देखने को मिल रहा है। ऑलरेडी मैंने इसको वैसे ऑन किया हुआ है, लेकिन अंदर से देखने के साथ साथ देखते हैं। सबसे पहले जो इसका कीबोर्ड है, लाइटिंग कीबोर्ड देखने को है या नहीं है। इसके मॉडल में लाइटिंग कीबोर्ड आता है, लेकिन इसी जो मेरे पास आया हुआ है इसके अंदर लाइटिंग कीबोर्ड नहीं है। दरमियान में 0.6 डी है सॉफ्ट क्वालिटी का कीबोर्ड देखने को मिल रहा है। न्यूमेरिक पैड बिल्कुल कीबोर्ड नहीं है। यहाँ पे फिंगरप्रिंट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। उसके अलावा इंटेल कोर i5 कोर i7 प्रोसेसर के अंदर आता है, तो इसलिए इंटेल कोर i7 प्रोसेसर की यहाँ पे ब्रांडिंग स्टिकर देखने को मिल रही है। माउस पैड देखने को मिल रहा है, ऊपर जो है राइट लेफ्ट माउस के ऊपर बटन दिए हुए हैं। दो बटन जो है ऊपर जो दिए हुए हैं वो विजिबल हैं, आपको दिख रहे हैं, और जो अंदर वाले हैं यहाँ नीचे वाले जो वो इनविजिबल है। जी बुक की ब्रांडिंग की गई है, और राइट और लेफ्ट साइड पे ये जो आपको जालियाँ छोटी छोटी नजर आ रही हैं ये इसके स्पीकर हैं, और यहाँ पे देखा जाए तो एचपी की ब्रांडिंग की गई है। लेकिन इसके पहले हम इसकी देखेंगे पोर्ट्स, के कौन कौन सी हमें पोर्ट्स देखने को मिल रही हैं। यहाँ पे हमें जनाब देखने को मिल रहा है इसका ब्लू पिन चार्जर, और उसके साथ HDMI केबल का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, साथ में सी केबल का ऑप्शन मिल रहा है, साथ में अगेन सी केबल का जो मिल रहा है वो चार्जिंग का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे लगाया हुआ है। और मेमोरी कार्ड और इसे कहते हैं सिम इंजेक्टर, इसका ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अगर इस साइड पे देखा जाए तो यार यहाँ पे हमें बड़े कार्ड रीडर जो कैमरे में यूज होते हैं उनका रीडर का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ऑडियो जैक का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, और उसके साथ साथ दो USB पोर्ट्स ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। और ये जनाब यहाँ पे जो दिया हुआ है वो जो लॉक सिस्टम जिसे हम बोलते हैं अक्सर जर्मन में यूज किया जाता है, वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब इसको अंदर से देखते हैं, तो पहले इसकी LCD की बात करते हैं, स्क्रीन साइज क्या देखने को मिल रहा है। गाइस 14 इंच के अंदर ही आता है, फुल FHD के अंदर ये देखने को मिलेगा। 1080 इसका रेजोल्यूशन है, ऐसे तो HD आपको सपोर्ट कर रहा है। और यहाँ पे इस साइड के नीचे जो लास्ट में आपको चीज़ें नजर नहीं आ रही, यहाँ पे मैं अपनी ये फिंगर घुमा रहा हूँ, यहाँ पे आपको इसका हीट सिंक का ऑप्शन देखने को मिलेगा। बैक साइड से दिखाता हूँ कि कहाँ से हीट सिंक होती है। ये वाला जो इसका ऑप्शन है, यहाँ से हीट सिंक आपकी लैपटॉप की निकलती है, जितनी भी लैपटॉप के अंदर हीट हो रही होती है, जितना ये गर्म हो रहा होता है उसकी यहाँ से हीट निकलने के बाद ठंडा होता है, और आपके लैपटॉप की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी होती है। तो अब इसकी LCD जैसे मैंने आपको बता दी है कि 1080 FHD में देखने को मिलती है, RRD ऑन किया हुआ है। प्रोसेसर की बात करते हैं कि प्रोसेसर कौन सा देखने को मिल रहा है। Core i7 प्रोसेसर के अंदर ये हमें 11th जनरेशन को देखने को मिल रहा है, और उसके साथ इसके जो प्रोसेसर की स्पीड की बात करें तो यार ये 3.0 की बेस स्पीड पे देखने को मिलता है। और इसके साथ इसके जो लॉजिकल प्रोसेसर है वो 8 लॉजिकल प्रोसेसर हैं और 4 कोर्स हैं, और उसकी जो कैशे है MB कैशे हम इसको बोलते हैं, 12 कैशे ये आपको i7 11th जनरेशन के अंदर देखने को मिलता है। क्या ये GPU के अंदर आता है? यार इसके अंदर जो GPU है वो इसका अपना नहीं लगा हुआ, वो हम कह रहे हैं आयरस का ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, मतलब सॉरी इसका अपना लगा हुआ है, डेडिकेटेड नहीं है, NVIDIA का नहीं लगा हुआ, लेकिन आयरस का ग्राफिक कार्ड लगा हुआ, जो कि 7GB का यहाँ पे शो कर रहा है कि आयरस का इसके अंदर ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है। और अगर हम बात करें इसकी मेमोरी की, और इसकी हम बात करें हार्ड डिस्क की, तो इसके अंदर जो रैम सपोर्ट हो रही है वो DDR4 हो रही है कोर i7 11th जनरेशन के अंदर, लेकिन इस टाइम जो करंटली इसके अंदर इंस्टॉल है वो 16GB रैम इंस्टॉल है। और अगर इसकी हार्ड की बात करें तो वो इसके अंदर SSD NVMe इंस्टॉल हुई है 512GB। अब ये आप कितने GB तक लेके जा सकते हैं, रैम आप 32GB तक लेके जा सकते हैं, और हार्ड को आप 2TB लेके जाएं, 1TB लेके जाएं, वो आप पे डिपेंड कर रहा है, आप इंक्रीज करवा सकते हैं। तो ये तो इसकी मोस्टली चीज़ें हो गई हैं, मोस्टली मैंने चीज़ें आपको बता भी दी हैं। अब हम इसका चेक करेंगे स्पीकर, कि स्पीकर कैसे देखने को मिल रहा है, तो अभी वो ऑन करता हूँ। आपके भाई ने स्पीकर ऑन कर लिया, राइट लेफ्ट वाला स्पीकर जिसको हम कहते हैं अक्सर लैपटॉप चेक करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये आपको इसका जो स्पीकर जब चल रहा है तो इसकी प्रॉपर जो फ्रीक्वेंसी है, बेस क्वालिटी है, वो 1A to Z आपस में मैच कर रही है। मतलब ये नहीं कह सकते कि वॉल्यूम बहुत अपर बेस डाउन है, ऐसा कोई सीन नहीं है, बिल्कुल प्रॉपर मैच कर रही है, तो इस लिहाज से तो ये बिल्कुल ओके है। सामने क्या ये फेस जो कैमरा दिया हुआ है LCD के ऊपर, मैं इसको पहले बंद कर लूँ, जो कैमरा दिया हुआ है इसके ऊपर लॉक का ऑप्शन भी दिया हुआ है कि आप इसको टर्न करके लॉक कर सकते हैं अगर आपने कैमरा ऑन नहीं करना।
ये चीजें तो आपको लैपटॉप की हो गई हैं, रैम हार्ड प्रोसेसर मोस्टली सब चीजें बता दी हैं। अब यार इसकी प्राइस की बात हो जाए कि कितने का फोरेस्ट ब्रांड के प्लेटफॉर्म से आपको मिलेगा, यार ये 1,45,000 1,45,000 का फोरेस्ट ब्रांड के प्लेटफॉर्म से मिलेगा। जाने से पहले ये बता जाऊं कि जो इसका टोटल वेट है वो 1.45 kg वेट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।